इक्वेशन में बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन चल रहा था, तो आप देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, तो आप देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है बेटा राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग गेट्स, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है क्या करना है हमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा बोला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। सी है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर गिव्स अस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक। डी है बेटा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये है आपका क्वेश्चन। आप देखते हैं इसको हम लोग को बैलेंस करना है। शुरू करें है? पहला क्या है बेटा, पहला है इसमें ये देखो, पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो कैल्शियम लिख लो, हाइड्रोक्साइड लिख लो, कैल्शियम वैलेंसी टू हाइड्रोक्साइड का वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत? तो जाहिर सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखोगे पहले का, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गिव्स अस कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम देखो कैल्शियम और क्या लेना है कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं, इसकी वैलेंसी टू, इसकी वैलेंसी टू, दोनों आप क्या करो 1-1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज व्हाट CaCO3। हमें यही तो सीखना है कि आपको केमिकल रिएक्शन दिया है हम लोग फार्मूला कैसे लिखें, फार्मूला दे देगा तो आप आसानी से कर ही लोगे और एग्जाम में इसी तरह से आता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोग को ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या चीज बेटा वाटर, ये है ठीक। अब देखो यहाँ पास आ देखते हैं सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट रहा, ठीक ले लो बेटा। यहाँ पास कैल्शियम कितना है, यहाँ कितना है कैल्शियम बैलेंस है ना, कार्बन कितना है वन वन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना तीन और एक चार, दो और दो बैलेंस है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो, इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बस आपको जो रिएक्शन दिया हुआ था उसका हमें सही फॉर्मूला बनाना था, अगर तुमने सही फॉर्मूला ना बनाया होता तो तुम यहाँ पर बैलेंस के चक्कर में फंस जाते, सही है ना। और देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्या, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक मतलब ZN और फिर आपका क्या है सिल्वर
नाइट्रेट, सही है ना? तो और देखते हैं, जिंक प्लस जिंक बेटा और प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब सिल्वर के सिंबल Ag और नाइट्रेट का मतलब NO3। इसकी वैलेंसी भी टू, इसकी वैलेंसी भी टू, बोलो सही है? ठीक है, कैंसिल किया कितना है 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स व्हाट AgNO3। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया, जिंक हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट हो गया। यहां पास जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर है ना, जिंक नाइट्रेट बनाना है तो जिंक और क्या चाहिए, NO3। NO3 सही है ना? एक मिनट, नाइट्रेट की वैलेंसी देखनी पड़ेगी। नाइट्रेट की वैलेंसी है इनकी 1-1 होती है बेटा, ठीक है, इसका 1 और 1 होता है, ठीक है, तो यानी ये AgNO3 बनेगा। अब जिंक की वैलेंसी होती 2, NO3 की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बना लेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, दैट इज Ag। और इसको बैलेंस करते हैं, सबसे बड़ा कंपाउंड ये रहा, ठीक है, ZN कितना है, यहाँ कितना है, नाइट्रोजन कितना है, 2, सही है ना, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, इसके आगे 2 लगा दो, नाइट्रोजन 2 हो गया, कोई दिक्कत? Ag कितना है, 1, यहाँ पास कितना है बेटा, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पास कितना है, 2, 3 जा 6, 2, 3 जा, दिस इज द बैलेंस की इंफॉर्मेशन, नोट करिए जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट है तुम्हारा सी, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या क्या, एल्युमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, तो अगर हम लोग एल्युमिनियम लिखें तो एल्युमिनियम के लिए हम लोग Al लिखेंगे प्लस बेटा कॉपर क्लोराइड, कॉपर और क्या चीज, क्लोरीन, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CuCl2, दिस बिकम्स कॉपर क्लोराइड, कोई दिक्कत? फिर है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का मतलब Al, क्लोराइड का मतलब Cl, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या बनाया, AlCl3, कोई दिक्कत? यानी ये रहा आपका AlCl3 प्लस कॉपर Cu, कोई दिक्कत? आओ बैलेंस करते हैं। तो बेटा अगर तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पास देखो, सबसे बड़ा कंपाउंड ये रहा, एल्युमिनियम 1, यहाँ पास भी 1, कोई दिक्कत नहीं, एल्युमिनियम के अलावा क्लोरीन 3, यहाँ 2, सही है? तो एक काम करो, जो 3 और 2 है तो पहले पॉड वाले को क्या बना करो, इवन इवन बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्लोरीन कितना हो गया, 2, 3 जा 6, इवन में आ गया, यहाँ पास कितना है 2, इसके आगे क्या लगा दोगे 3, हो गया क्लोरीन 6। अब यहाँ पर जैसे 2 लगाया था एल्युमिनियम 2 हो गया था, तो एल्युमिनियम के आगे भी हम लोगों ने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देखो यहाँ पास कॉपर कितना है 1, यहाँ पास कितना है 3, इसके आगे भी क्या लग जाएगा, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट है ना, हाँ देख लेते हैं, मिटा दे इसको, जगह नहीं बच रही, मिटा दे रहे हैं, और देखते हैं क्या है बेटा, सॉल्यूशन डी है ना, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए Ba लिखो, Cl लिखो, बेरियम की वैलेंसी 2, इसकी 1, दिस बिकम BaCl2, क्या चीज, प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बनाना, K लिखो, SO4 लिखो, पोटेशियम की 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनाएंगे, K2SO4 गिव्स अस बेरियम सल्फेट। अब बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 बना गया ना, दिस बिकम्स BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज KCl। सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, ये रहा है, पोटेशियम कितना है 2, यहाँ कितना है
टू लगा दिया। अब सल्फर पर आप एक सल्फर एक ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, क्लोरीन दो, बेरियम एक और बेरियम एक। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नोट कर ले जल्दी से, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा। बता दें चलो, बैलेंसिंग का क्वेश्चन इसमें बहुत है, ठीक है, तो हमें बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। नेक्स्ट है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप, आइडेंटिफाई रिएक्शन टाइप। हमें रिएक्शन टाइप को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक। दूसरा है बेटा जिंक कार्बोनेट गिव्स अस, भी है जिंक कार्बोनेट गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई। तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, डी है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। नोट करें जल्दी से, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें देखना है। करो जल्दी से, देखें बेटा ये देखो पहला है सॉल्यूशन, पहला देखने जा रहा है यहाँ पास क्या बोला है, पोटेशियम ब्रोमाइड, देखो पोटेशियम की वैलेंसी वन, ब्रोमीन की वैलेंसी वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, देखो बेरियम की भी वैलेंसी वन और आयोडीन की भी वन, तो अगर दोनों की वैलेंसी वन है तो ये क्या बनेगा आपका BaI बन जाएगा, क्या बन जाएगा BaI, नहीं बेरियम की टू होती है, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है टू, आयोडीन की कितनी होती है वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा BaI2 गिव्स अस ना, क्या चीज बेटा पोटेशियम आयोडाइड के आई प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम मतलब BaBr, सही है ना। अब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा इक्वेशन कौन सा है, सबसे बड़ा इक्वेशन ये रहा, आयोडीन कितना है बेटा दो, इधर कितना है टू लगा दिया, कंप्लीट। पोटेशियम कितना है
टू और यहाँ कितना है वन, इसके आगे भी क्या लगा दिया, टू लगा दिया। अब देखो बाकी बैलेंस है क्या, ब्रोमीन यहाँ पर दो, उधर भी दो, बेरियम एक, बेरियम एक। अब पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज व्हाट, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या चीज बेटा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, दिस इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखो आपका बी है, जिन कार्बोनेट प्लस गिव्स अस, जिन कार्बोनेट का मतलब चल रहा है। ठीक, चलो देखते हैं हमारे पास क्या है, जिन कार्बोनेट बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।